मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस मैथ की क्लास में मेंस्ट्रुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने सिलेंडर को देखा और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर तक हमने किया, उस पर क्वेश्चन भी किया। ठीक, अब आइए बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की, है ना। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? खोखला बेलन जो अंदर से क्या वो खाली हो, है ना। आज हम लोग का टॉपिक है हॉलो सिलेंडर, हिंदी में कहते हैं इसको खोखला बेलन। खोखला बेलन दिमाग में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप पाइप यदि आपने देखा हो तो उसको रिमेम्बर कर लें, है ना। पाइप को याद कर लें, जैसे थिकनेस हो थोड़ी, है ना। ठीक, खोखला बेलन कैसा होता है, पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक, फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका बन गया है खोखला बेलन, है ना। कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। तो देखिए ऊंचाई क्या है, दोनों की सेम है, है ना। बराबर ऊंचाई, इसमें देखिए दो बेलन दिख रहा है ना, एक बड़ा वाला एक अंदर इसके जो है ना। तो बराबर ऊंचाई वाले, लेकिन देखिए रेडियस क्या है, अलग अलग है ना। इसकी रेडियस कुछ और है, अंदर वाले की रेडियस कुछ और है, ठीक है। बराबर ऊंचाई वाले तथा भिन्न 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 त्रिज्याओं रेडियस क्या है, दोनों की अलग अलग है ना। यदि हम यहाँ से सेंटर ले लें इसको, तो देखिए इस वाले की जो रेडियस होगी, थिकनेस होगी, वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। और जो छोटा वाला अंदर वाला बेलन है उसकी जो रेडियस होगी वो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, दोनों की अलग अलग, है ना। भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले दो समाच, है ना, दो समाच बेलनों से, दो समाच मतलब एक दूसरे के समान, है ना, बेलनों से सीमाबद्ध ठोस को क्या कहते हैं, खोखला बेलन। ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। ऊंचाई क्या है, देखिए दोनों की सेम है ना। ये हाइट जो है आपकी एच मान लीजिए, तो ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक। रेडियस क्या, अलग अलग है ना। बाहर वाले बेलन का रेडियस मान लीजिए क्या आपका कैपिटल आर, और जो अंदर वाला है उसका क्या है, स्मॉल आर, है ना। तो बराबर ऊंचाई वाले तथा भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले दो समाच बेलनों से सीमाबद्ध ठोस को हम क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं, है ना। पाइप इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, पाइप की अपनी एक थिकनेस होती है, आप देखते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसमें कुछ फार्मूलों को चेक करते हैं कि फार्मूला क्या होता है आपका, है ना। तो जो दिया हुआ पहले इन्फॉर्मेशन उसको नोट कर लेते हैं। बेलन की बाह्य त्रिज्या, है ना, आउटर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, बेलन की बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या देखिए सेंटर से लास्ट पॉइंट तक, है ना, वो क्या बेटा आपका कैपिटल आर, ठीक। इसको आउटर रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, आउटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, ठीक। उसके बाद फिर बेलन की आंतरिक त्रिज्या, बेलन की आंतरिक त्रिज्या ये क्या होता है आपका, स्मॉल आर, है ना, ठीक। अब देखिए
यदि आपसे कोई पूछे कि थिकनेस ऑफ द सिलेंडर है ना, बेलन की मोटाई क्या है, ठीक, ये है आपका इनर रेडियस, ठीक, बेलन की थिकनेस क्या है ना, यानी कि बेलन की मोटाई क्या है, तो बेलन की मोटाई क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बेलन की मोटाई, तो मोटाई निकालने के लिए, थिकनेस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा देना है ना, यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ठीक। इससे क्या होगा, बेलन की जो थिकनेस है वो आपको मालूम हो जाएगी, है ना, ये है आपकी बेलन की थिकनेस, ठीक, ये है बेलन की आपकी थिकनेस। एक तो फार्मूला देखिए आपका ये हो गया है ना, बेलन की मोटाई ज्ञात कीजिए, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं बेलन की बाह्य त्रिज्या, ये तो हो गया आपका है ना, बेलन की बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, है ना। नेक्स्ट आपका बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए बीच में तो खाली है, तो बीच में को इसके द्वारा क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, तो बीच वाला पोर्शन क्या है, खाली है, तो क्षेत्रफल होगा क्या, तो देखिए जो बाहर वाला है दिस माइनस अंदर वाला, बाहर वाले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बाहर वाले रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों है क्या, सर्कल है ना, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा पाई बाहर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ये आ गया कि बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है आपकी बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या क्या है आपकी स्मॉल आर, है ना। अब आइए बात करते हैं आयतन की, बात कर लेते हैं खोखले बेलन का आयतन, तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे, है ना, आयतन है ना, जो हॉलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पहले तो आपको ये मालूम है बेलन का आयतन क्या होता है, है ना, तो अगर कोई ऐसा बेलन जिसका रेडियस आर हो और उसकी हाइट एच हो, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी कल हम लोगों ने देखा था, ठीक। अब यहाँ पर बेलन कैसा है, खोखला है, यानी बीच का स्पेस क्या है, खाली है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए खोखले बेलन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, ठीक। अब देखिए बाह्य बेलन का आयतन क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और हाइट क्या है एच, है ना, ऊंचाई क्या है एच, माइनस पाई आंतरिक का स्मॉल आर इंटू एच, है ना, कॉमन ले लीजिए, पाई बाहर आ जाएगा आपका, है ना, और एच बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, तो आर माइनस आर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक। इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं, है ना, तो ये हो गया आपका खोखले बेलन का आयतन, यहाँ से आपका ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। नेक्स्ट है ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, मतलब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो ये आपका एक फॉर्मूला होगा खोखले बेलन का आयतन का वक्र पृष्ठ तो क्या होता है आप जानते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच, है ना, बेलन का होता था आप जानते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दो बेलन है आपके, है ना, देखिए डायग्राम हमने रफ कर दिया, फिर से बना देते हैं, ये हो गया आपका है ना, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक, और इसकी रेडियस कैपिटल आर, हाइट क्या है आपकी एच है, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस निकल, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, है ना, तो बाह्य बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस
आंतरिक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, तो बाह्य वाले का हो जाएगा आपका 2π कैपिटल आर एच प्लस 2π अंदर वाले का स्मॉल आर एच, है ना। तो इस तरीके से जुड़ जाएगा आपका 2π कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर इंटू एच, है ना। तो ये तीन चार फार्मूले हैं जिन पे अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। इसको आप पहले नोट करके याद कर लीजिए, है ना, ठीक। बाकी बेलन का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, वो सेम चीज़ें यहीं पर लागू होंगी। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि धातु का एक पाइप है ना, कोई मेटल फॉर्म्ड पाइप है आपका, है ना, जिसकी लंबाई कितनी बेटा 77 सेंटीमीटर है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आउटर कर्व सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, है ना। ये तीन चीज़ें आपको क्या करनी, फाइंड आउट करनी एक ही क्वेश्चन में। मेटल फॉर्म्ड एक पाइप है ना, जिसकी लेंथ कितनी है 77 सेंटीमीटर, ठीक। इसके क्रॉस सेक्शनल पार्ट का जो इंटरनल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है और जो आउटर डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड आउट द इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवेन है उसको हम क्या कर लें, नोट कर लें, है ना। जो जानकारी आपको दी हुई है उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया, धातु के पाइप की लंबाई दी हुई है ना। तो आइए पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, कैसा बनता है, है ना। चलिए एक पाइप आपने ऐसे लंबा खींच लिया, है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया इसका हाइट। उसके बाद कह रहा है कि इसकी एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास इतना और बाह्य व्यास, व्यास दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए पाइप होगा तो इसकी कुछ थिकनेस होगी, है ना, ठीक। ये सीधी लाइन होगी आपकी, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए जो आउटर रेडियस है, यानी यहाँ से ये पूरा जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर, वो कितना है आपका, तो इसमें नहीं बनाएंगे, है ना, इसको आप अलग से ड्रा कर लेंगे। ये जो आपका आउटर डायमीटर है वो है आपका 4.4 सेंटीमीटर, और जो इनर डायमीटर है वो है बेटा आपका 4 सेंटीमीटर, है ना, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक। आइए सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, पाइप की लंबाई h इक्वल टू आपका हो गया 77 सेंटीमीटर, है ना। फिर पाइप का बाह्य व्यास, व्यास को हम d से लिखते हैं, तो d इक्वल टू आपका कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, त्रिज्या की। तो बाह्य त्रिज्या इक्वल टू, इसको कैपिटल लिख लेते हैं, आर इक्वल टू डी बाई टू, यानी 4.4 अपॉन 2, देन 2.2 सेंटीमीटर, है ना। इसी तरीके से फिर क्या कर लेंगे, आंतरिक व्यास जो दिया है, आंतरिक व्यास, ठीक, इसको डी जीरो मान लें, है ना, कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, डी बाई डी जीरो बाई टू, यानी 4/2, 2 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है, जो रेडियस होता है आपका डायमीटर का हाफ होता है। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आपको क्या गिवन है। अब आइए निकालते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा इसका, 2π आंतरिक है ना, तो स्मॉल आर ले लेंगे, रेडियस इंटू एच, है ना, 2 वैल्यू ऑफ द पाई क्या हो जाएगा 22/7, है ना, रेडियस आर आपका कितना आया है 2 सेंटीमीटर, है ना, 2, और h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी हुई आपको 77 सेंटीमीटर,
परफेक्ट यूनिट नहीं लिखते हैं। सेवन से देखिए माइनस हो जाएगा आपका, इलेवन आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा देखिए 44, 44 का 2 मल्टीप्लाई करें तो 88 इंटू 11, 11 एट जा 88, 11 एट जा 88 और 8 कितना हो जाएगा आपका 96, है ना। तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, है ना। अब इसके बाद क्या निकालना है आपको, सेकंड बाहरी वक्र पृष्ठी क्षेत्रफल, है ना। आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2π। अब बेटा बाह्य रेडियस ले लेंगे, जब बाह्य पूछ रहा है तो कैपिटल आर एच, है ना। वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू देखिए कितनी आई थी आपके 2.2, है ना, 2.2 सेंटीमीटर। और कैपिटल एच आपका, सॉरी एच तो वही है 77 सेंटीमीटर। हाइट दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 7 से कट गया, क्या आ गया आपका 11 आ गया, है ना। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये दूसरे का आंसर आ गया, है ना। अब क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, ये ध्यान आपको रखना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले, है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं टोटल सरफेस एरिया TSA, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्पेस कम है इसलिए। तो देखिए क्या क्या हो जाएगा आपका, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपका बेटा पहले तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, जो थिकनेस है, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना। और वो कैसे निकालेंगे, हमने अभी बताया था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो ये देखिए बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ठीक, जो भी हमने आपको बताया था, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पार्ट का भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और देखिए इसी तरह से जितनी मोटाई यहाँ होगी उतनी ही नीचे वाले की भी होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा प्लस 2π आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप सबके वैल्यू पुट कर दीजिए, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय कितना आया आपका 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको, 2π की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और यहाँ देखिए 2.2 माइनस 2 हो जाएगा आपका, है ना, 2.2 माइनस 2, सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 968 + 1064 + 2.2 में से 2 जाएगा तो 0.2 आएगा, है ना। तो 2 × 22/7 × 0.2, है ना। इसको हम क्या कर लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। कुछ नहीं करना है, पहले आपने आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाला, फाइंड आउट किया 2πRH, बाह्य वक्र पृष्ठीय 2πRH, बस रेडियस दोनों का अलग अलग होगा, जिसकी जो रेडियस उसको आप रख देंगे, है ना। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको इन सबों के साथ साथ, है ना, इसका जो है ना बेस जो है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, अगर मान लीजिए वो पूछता सीधे सीधे तो आप क्या रखते थे, पाई आर स्क्वायर रख देते, है ना, 2πR² हम कर देते थे बेलन के केस में, लेकिन ये क्या है 20 से खाली है, है ना। तो क्या करेंगे आप, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, है ना, उसी तरीके से करके आप निकाल करके ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो भी आगे प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन उस टाइप के, उसको आप करिएगा। क्लास 10th में अगर आप देखेंगे तो उसमें इसी प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। तो बाकी कल हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में
कोण के बारे में, शंकु के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। पढ़िए, जो भी कोई डाउट होता है आप कॉल से या फ़ोन से, मैसेज से, व्हाट्सएप से पूछिए। थैंक यू।